हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट फ्लावर से ये भगवान जी की माला कैसे बनानी है इसका वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो मुझे रिक्वेस्ट किया है अश्विनी भोसले मैडम जी ने। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस करना मत भूलिए। इसे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं क्रोशेट फ्लावर से ये भगवान जी के मंदिर के लिए माला कैसे बनानी है। इसके लिए मैंने लिया है रेड कलर का वुल 30 ग्राम, येलो कलर का वुल 50 ग्राम, सिल्वर कलर के मोती लिए हैं 8 mm के और क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। सबसे पहले हमें मैजिक लूप बनाना है। इसके बाद हमें दो चेन्स लेनी है। एक और ये दो। इसके आगे हमें 11 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहले दो चेन्स का और आगे के 11, टोटल 12 हो जाएंगे। देखिए सारे हाफ डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब जो ये धागा है इसे खींचना है और जो लूप है ये आप देख सकते हैं छोटा हो गया है। इस तरह से हमें ये क्रोशे को जो पहले हमारे दो चैंस हैं इसमें डालना है और ये सर्कल कंप्लीट करना है। अब हमें तीन चैंस लेनी है, एक दो और तीन। सेम जगह पे हमें और तीन डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले तीन चेन्स का और आगे के तीन डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। जो नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशेट है इसमें हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आगे के हर एक हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 4 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। इस तरह से हर एक हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 4 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं और ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब जो ये स्टार्टिंग के तीन चैन्स हैं इसमें जो तीसरे नंबर का चैन है उसमें क्रोशे को डालना है और ये सर्कल कंप्लीट करना है। सेम जगह पे हमें तीन चैन्स लेनी है। इसके आगे सेम जगह पे हमें और तीन डबल क्रोशेट बनाने हैं, एक, ये दो और ये तीन। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। इस तरह से आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 4 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं।
ये राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करके आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट के ऊपर मैंने चार चार डबल क्रोशेट कंप्लीट किए और ये हमारा फ्लावर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे रेड कलर से आउटलाइन करना है। कौन सा भी जो डबल क्रोशेट है उसमें हम क्रोशेट को डालेंगे और ये रेड कलर का धागा ज्वाइन करके लेना है। अच्छी तरह से नॉट्स लगानी है। अब हमें हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। इस तरह से हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशेट से ये आउटलाइन कंप्लीट करना है। सारे फ्लावर को हमें इसी तरह से आउटलाइन करके लेना है। देखिए इस तरह से मैंने सारे फ्लावर को ये आउटलाइन बना के ले लिया है और ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमने ये पांच फ्लावर बना लिए हैं और दो पॉम पॉम बना लिए हैं। पहले हमें इस तरह से येलो कलर का धागा लेना है। आप चाहे तो रेड कलर का धागा भी ले सकते हैं। एक मोती डालना है उसमें और जो एक पम पम है ये डालना है। इसके बाद हमें आठ मोती डालने हैं। आप ये कौन से भी साइज़ के मोती ले सकते हैं। ये मैंने आठ डाले हैं। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 10 भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आठ मोती डाले हैं। इसके बाद एक फ्लावर डालना है हमें, जो सेंटर का होल है उसमें से ये फ्लावर मैं सुई में से डाल रही हूँ। अब हमें 10 मोती डालने हैं। 10 मोती मैंने डाल लिए हैं। ये सारे के सारे मोती पीछे लेने हैं। अब हमें फिर से एक फ्लावर डालना है। फ्लावर के बाद हमें फिर से 10 मोती डालने हैं। 10 मोती डाल लिए मैंने। सारे मोती पीछे करके लेने हैं। अब हमें फिर से एक फ्लावर डालना है। इस तरह से मैंने तीन फ्लावर डाले हैं यहाँ पे। अब हमें 15 मोती डालने हैं। देखिए 15 मोती मैंने डाले हैं। सारे मोती पीछे लेने हैं। अब हमें जो ये लेस पट्टी है, सैटिन की या आप गोल्डन की कौन सी भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें सुई डालनी है और ये नॉर्मल सी नॉट लगा के छोड़ देना है क्योंकि ये निकले नहीं। फाइनल नॉट हम बाद में लगाएंगे। लूज नॉट लगा के इसे छोड़ देना है। से हम नया सुई धागा ले रहे हैं। जो पहला मोती हमने डाला है उसमें से और आगे का जो पॉम पॉम है उसमें से सुई को ऊपर लाना है। इसके बाद जो ये आठ मोती हैं उसमें से हम सुई ऊपर लाएंगे। देखिए सारे मोती में से मैंने सुई ऊपर ली है। जो आगे का फ्लावर है उसमें से भी हमें सुई ऊपर लेनी है। अब हमें यहाँ पे 10 मोती डालने हैं। 10 मोती डाल ली मैंने।
आगे जो फ्लावर है उसमें से अब मैं सुई ऊपर ला रही हूँ। इसके बाद हमें फिर से 10 मोती डालने हैं। दस मोती डाल के हो गए, मोती सारे पीछे लेने हैं अच्छी तरह से। जो ये फ्लावर है उसमें से अब हमें सुई ऊपर लेनी है। इसके बाद हमें फिर से 10 मोती डालने हैं। इस तरह से हमारे ये 10 मोती डाल के हो गए। अब हमें जो हमने ये पहले धागे में 15 मोती डाले हैं उसमें से जो लास्ट के 5 मोती है उसमें से सुई बाहर निकालना है। लास्ट के जो 5 मोती हैं उसमें से सुई को बाहर लाना है। आगे जो ये लेस पट्टी है उसमें से भी हमें सुई को ऊपर लाना है और अच्छी तरह से नॉट लगा के लेनी है। इस तरह से हमें ये सारे धागे और जो लेस है उसमें अच्छे से नॉट लगा के लेनी है। ये हमारी फाइनल नॉट होगी। अच्छे से हमें यहाँ पे एक दो नॉट लगा के लेनी है। एक्स्ट्रा धागा हमें कट कर देना है। एक साइड हमारा तैयार हो गया है। अब हमें दूसरा साइड तैयार करना है। फिर से हमें सुई धागा लेना है, उसमें पहले एक मोती डालना है, उसके बाद एक पम पम डालना है। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे 8 मोती डालने हैं। 8 मोती मैंने डाल लिए हैं। जो पहला साइड हमने बना के रखा है माला का, उसमें जो पहला फ्लावर है उसमें से अब हमें सुई को ऊपर लाना है। अब हमें 10 मोती डालने हैं। अब हमें जो चौथा फ्लावर है वो डालना है। टोटल हमने 5 फ्लावर बनाए हैं। आपको अगर बड़ी माला बनानी है तो आप और भी फ्लावर बना के इसी तरह से फ्लावर डाल के ये बड़ा बना सकते हैं। इसी तरह से हमें ये 10-10 मोती डाल के लेने हैं, जैसे हमने पहले साइड में बनाए हैं उसी तरह से हमें ये दूसरा साइड भी कंप्लीट करके लेना है। सेम इसी तरह से देखिए, इस तरह से मैंने ये दोनों साइड कंप्लीट करके ले लिए हैं और यह हमारा हार तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक यू।